Hello students, how are you? I hope you all are fine. So, yeah, welcome to Navnidhi International School online video platform. Okay? So, here we will study chapter 1 poem. In previous part, we completed chapter 1 prose. Okay, but here we will study chapter 1 poem Road, the Road Not Taken. Okay, the Road Not Taken. This poem is very, very important chapter. Okay, it gives us a beautiful, a wonderful message. Okay, to us. And it is written by Robert Frost. Okay, Robert Frost ki ye sabse behtareen poem hai jo ki hum padhenge to hame ek wonderful message milega. Okay, we will get a wonderful message from this poem. So now here start The Road Not Taken. This well-known poem is about making choices. Actually, ये जो poem है ये choice बनाना, ठीक है? आप in everyone's life, okay, everyone get many choices. बहुत सारे choices आपके सामने आता है और आपको बोला जाता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है. देर आर मैनी ऑप्शंस ओके इन एवरी वंस लाइफ. तो यू हैव टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन. ओके, कहीं पे भी आप जाओ और आपको वो ऑप्शन का आपको चूज करना पड़ता है. घर पे जाओगे तो आपको मम्मी पूछेंगे कि बेटा आज कौन सा सब्जी बनाएंगे, आपको बताना है. छोले का सब्जी बनाना है, आलू का सब्जी बनाना है, बैंगन का सब्जी बनाना है, तो आपको चॉइस करना पड़ता है, ठीक है? या फिर दाल बनाना है, या फिर रोटी या चावल बनाना है, ऐसे, या दाल या कढ़ी बनाना है, ऐसे आपको चॉइसेस आती है. नाउ यू आर स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड. वेन यू प्रमोटेड इन टू स्टैंडर्ड 11th. ओके, आफ्टर गेटिंग पास, जब पास हो जाने के बाद, आफ्टर गेटिंग पास द 10th पास होने के बाद जब आप 11th जाओगे, यू विल हैव मैनी ऑप्शन देयर. ओके, यू हैव टू चूज टू द कॉमर्स और द साइंस और द आर्ट्स. ओके, तो एट दैट टाइम आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कहाँ आपको कौन सा लेना है. तो ये आपको ही सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपको सब्जेक्ट चूज करना है. सो दिस पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. और चॉइसेस हमें शेप बनाता है. जैसे आप अगर दी आर्ट्स लोगे, बिकॉज आर्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके, पॉलिटिकल साइंस, देन यू हैव टू चूज आर्ट्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस, फिजिक, बायो या मैथ्स, देन यू विल हैव टू चूज मैथ, यानी साइंस. ओके, साइंस स्ट्रीम को चूज करना है. अगर दी आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आप कॉमर्स चॉइस करोगे, ठीक है? तो ये भी ऐसा ही है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. ओके, तो एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है एंड हु राइट सिंपली, बहुत ही सरल तरीके से, सुंदर तरीके से लिखते हैं, ठीक है? बट इनसाइटफुली, अंदरूनी उनकी गहरी मीनिंग होती है उनके पोएम में, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, ठीक है? जो एक्सपीरियंस करते हैं, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होते हैं, उसके ऊपर वो पोएम लिखते हैं. तो स्टार्ट द पोएम. एट फर्स्ट आई एम रीडिंग. टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth.
ओके टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड डाइवर्ज्ड व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्ज्ड डाइवर्ज्ड मीन्स डिवाइडेड ओके डाइवर्ज्ड मीन्स सेपरेटेड एंड टू अ डिफरेंट डायरेक्शन वो एक ऐसा मोड है जहाँ टू और थ्री रास्ता ऐसे डाइवर्ज अलग अलग सेपरेट हुआ है जैसे हम तीन रास्ता दो रास्ता चार रास्ता ऐसे बोलते हैं ना एक चौक माना जाता है चौक वहीं से आपको अलग अलग रास्ता निकलता है तो यहाँ पे डाइवर्ज माने दो रास्ता वहाँ से निकला है एक जंक्शन है जहाँ से आपको दो रास्ता निकाला गया है टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड येलो मीन्स ऑटम ओके और वुड मीन्स आपको जंगल होती है ऑटम सीजन में ओके जंगल के अंदर हमारे पोएट जाते थे और वहाँ पे एक डाइवर्ज्ड उनको मिला समझे कि नहीं जहाँ पे दो रोड्स वहाँ पे डाइवर्ज्ड हुआ एक चौक मिला है ठीक है एंड वहाँ पे वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं ओके एट द टाइम ओके ही गेट कन्फ्यूजन ऑन व्हिच रोड He has to travel, ठीक है कौन से रोड में उनको ट्रैवल करना है वो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है एंड आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ क्योंकि दोनों में तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते ना ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ रोड ओके दोनों में से अमोंग बिटवीन टू रोड्स ओके उनको एक ही रोड को चूज करना है ही हैज टू चूज ओनली वन रोड And be one traveler, long I stood, I looked down one as far as I could. वो बोले कि एक ट्रैवल बींग ए ट्रैवलर एक ट्रैवलर के हिसाब से उन्होंने वहाँ पर खड़े रहे और दोनों रोड को उन्होंने देखे समझे नहीं I looked down one, पहले उन्होंने एक रोड को उन्होंने देखा as far as I could, मतलब वो उनका आँख जितना तक जा सकता था मतलब उनका नज़र आँख मतलब क्या होते नज़र इनका नजर जितना दूर तक जा सकता था उन्होंने वो देखे समझे ही नहीं टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ ओके जहां पर उन्होंने देख ना सकते थे वो देखे और वहां तक देखे जहां पे बहुत सारे झाड़ियां हैं वो झाड़ियां से उनको रास्ता अलग हो गया है मतलब वो वहां तक उनका नजर वहां पे गया है ठीक है अंडरग्रोथ का मतलब होते बुशेस बहुत सारे झाड़ियों को हम अंडरग्रोथ मीन्स करते हैं हेयर अंडरग्रोथ मीन्स डॉन डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस जहाँ तक नजर गया कहाँ तक गया एक जगह है जिसमें आपको झाड़ियाँ हैं और वहीं से ये रोड बेंट हो गया है और वो आगे उसको दिखता नहीं वहाँ तक राइटर की नज़र गया देन टूक द अदर फिर उन्होंने दूसरा वाला रोड को देखे देन टूक द अदर जस्ट इज फेयर ठीक है फेयर मीन्स And having perhaps the better claim, समझे नहीं अब जब अदर रोड उन्होंने देखे पहला रोड उन्होंने देखा फर्स्ट रोड फिर उसके बाद जब उन्होंने सेकेंड रोड when he saw the second road, ओके एंड द सेकेंड रोड इज द बेटर क्लेम यानी चॉइस उनके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा उनका लगा ये वाला थोड़ा सा अच्छा है आई थिंक ये वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिस रोड में वो ट्रैवल करेंगे और उसके थ्रू अपने एम तक टारगेट तक पहुँच जाएंगे बिकॉज क्यों अरे ऐसा क्यों हुआ ना इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर ओके वहाँ पे बहुत वो जो रोड है वो बहुत ग्रासी था मतलब वहाँ पे घास बहुत ज़्यादा था एंड वॉन्टेड वेयर ओके वॉन्टेड एयर का मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड वहाँ पे घास ज़्यादा हुआ था और उस रोड में आई थिंक ज़्यादा लोग नहीं गए होंगे ठीक है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पॉइंट पॉइंट के अनुसार वो रोड बहुत घास था समझे ही नहीं वहाँ पे घास इसीलिए ज़्यादा था क्योंकि लोग नहीं गए थे अब लोग अगर वहाँ से ज़्यादा लोग अगर वहाँ से चलेंगे तो वो घास है ना पूरी तरह से मर जाएगा तो इसलिए उन्होंने ये वाला रोड सिलेक्ट किया यानी चूज़ किया कि वहाँ पे ज़्यादा घास था और वॉन्टेड वेयर मतलब अभी तक वहाँ पे कोई नहीं गए थे और उस रोड को जरूरत है उस रास्ते में कोई जाए दाओ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम दाओ एज फॉर दैट द पासिंग देयर यहाँ पे ये बता रहे भले ही वहाँ पे कुछ लोग गए हैं
भले ही उस रोड में कुछ गए हैं लेकिन उतना पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे लोग कुछ गए हैं, मतलब घास पूरा हरा भरा था जिसके वजह से उससे पता चलता है कि वहाँ से लोग उतना ट्रैवल नहीं किए हैं। हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम जैसा लगता था, ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स नो स्टेप हार्ड ट्रोडन ब्लॉक। ओके, उसने बोले मॉर्निंग में भले ही वहाँ पे इक्वली लेयर दिया है बट बोथ दैट मॉर्निंग माने उस सुबह सुबह उस दिन की जो मॉर्निंग में इक्वली ले इन द लीव्स पूरा पत्ता भी गिरा हुआ है इक्वली, उस रोड में जितने पत्ते हैं इस रोड में उतने ही पत्ते गए हैं। नो स्टेप हार्ड ट्रोडन ब्लॉक, लेकिन वहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है लोगों की एक भी स्टेप वहाँ पे कोई लोग गया होगे, ठीक है। ओ आई केप द फास्ट फॉर अनदर डे, यहाँ पे पॉइंट बोला रहे कि तो मैंने सेकेंड रोड को चूज कर दिया और जो फास्ट रोड था उसको मैंने एक अनदर डे यानी दूसरा कभी फिर से आएंगे तो उस दिन वो उस रास्ते में ट्रैवल करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। आई केप द फास्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे हेड्स ऑन द वे हाउ लीड्स ऑन द वे आउट डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। ओके, येट उनको पता था समझे नहीं, येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, बोले उनको पता था कि कैसे वो रास्ते में जाएंगे क्योंकि अब उनको तो डाउट लगा अगर दे अनदर डे में जाएंगे शायद ही वो उस रोड में कभी वो आएंगे यानी पैदल में फिर से आएंगे तो वो रोड में चलेंगे, तो उनको डाउट था कि वो कभी नहीं आ पाएंगे, अगर ये रोड में चले जाएंगे तो फिर से कभी आएंगे तो उस रोड में जाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साय, के साय का मतलब एक सांस लेके बोलना है, दैट इज कॉल्ड ए साय। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेज। ओके, हैंस मीन्स होता है इन द फ्यूचर, यहाँ पे हमारे जो पॉइंट बोल रहे हैं सेकेंड रोड उन्होंने चॉइस किया चूज किया, फिर वो बोल रहे हैं कि मैं जब बहुत लंबे समय तक हो जाऊँगा मतलब काफ़ी दिन चला जाएगा इन द फ्यूचर, ओके बहुत सालों के बाद समय नहीं, और मैं लोगों को ये बोलते रहूँगा ठीक समवेयर एज एन हैंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड, मैं बोलूँगा कि जब बहुत पुराना हो जाएगा बहुत बहुत दिन के बाद मैं अपने बच्चों को या फिर किसी और को ये बोलते रहूँगा कि दो रोड ऐसे थे टू रोड्स डाइवर्ज इन ए एलोड, एक जंगल में ऐसा दो रोड डाइवर्ज हुआ था एंड आई टूक द वन लेस ट्रैवल, और मैंने उस रोड को मैंने सिलेक्ट किया जो रोड को लोग यूज़ नहीं किए थे यानी कम लोग उसको यूज़ किए थे वही वाला रोड को मैंने सिलेक्ट किया एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और वही सिलेक्शन मुझे एक अलग बना दिया, ठीक है कि नहीं, अलग बना दिया क्योंकि ज़्यादातर अक्सर लोग क्या करते हैं जिस वो काम करते हैं जो काम लोग ज़्यादा तक लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ने उस रोड को सिलेक्ट किया जो रोड में ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं किए थे, मतलब वो डेंजर जो खतरे होते हैं ना उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और चैलेंज किया और जिसके वजह से यहाँ पे वही चॉइस वही चूज उनको एक डिफरेंस बनाया एक अलग बनाया। तो स्टूडेंट्स इस पोएम में आपको एक बेहतरीन मैसेज मिलती है, वी गॉट ओके इन दिस पोएम वी गेट ए वंडरफुल मैसेज दैट एवरीवन यू ऑल ओके यू ऑल हैव मैनी चॉइसेस इन द लाइफ, ओके यू विल हैव मैनी चॉइसेस इन द लाइफ, लाइफ में आप बहुत सारे चॉइसेस आपके सामने आएंगे समझे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लेकिन आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जो सबसे आपको अलग बनाता हो, ठीक है कि नहीं। तो इस चैप्टर में हमने ये पोएम पढ़ा, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस पोएम, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, यू वुड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, और इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स, ओके टिल देन रीड इट अगेन एंड अगेन।